हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसपी लेसन्स। इन टुडे लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंटरेस्टिंग टाइम एंड वर्क ट्रिक्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? ए है जो अकेला काम करता है, तब वो ए और बी मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी काम को करने में टी डेज लेते हैं, कितने डेज लेते हैं टी। तो कह रहा है कि ए है उससे 4 दिन अधिक लेगा, दोनों मिलकर अगर टी डेज मिले रहे तो ए 4 डेज एक्स्ट्रा लेगा। और बी है जितने टाइम में भी ए और बी मिलकर कर रहे हैं, ये टी डेज में कर रहे हैं हमने जूम किया, तो उससे वो 9 डेज एक्स्ट्रा लेगा, मतलब टी प्लस 9। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर देंगे, मतलब टी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अगर इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से करेंगे बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो इसकी ट्रिक क्या है बच्चे, इनको बोलते हैं एक्स्ट्रा डेज का क्वेश्चन। मींस यहाँ पे 4 दिन एक्स्ट्रा हैं, जो भी टाइम ए और बी मिलकर लगा रहे हैं उसे 4 दिन एक्स्ट्रा यहाँ लग रहे हैं और यहाँ पे 9 डेज एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो आपको जब ए और बी मिलकर बताना कितने दिन में करेंगे, करना क्या है, दोनों एक्स्ट्रा डेज को मल्टीप्लाई कीजिए। 4 और 9 एक्स्ट्रा डेज थे, मल्टीप्लाई किया और इसका स्क्वायर रूट लेना है। 4 मल्टीप्लाई बाई 9 36, 36 का रूट 6 डायरेक्ट। जो भी एक्स्ट्रा डेज हैं उनको मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकालना है, दैट्स आवर आंसर। अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता था ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं, टी की वैल्यू 6 है, तो ए की वैल्यू 6 प्लस 4 10 आवर आंसर आ जाएगा। बी के पूछता 6 प्लस 9, बी अकेला 15 डेज में कर लेता। तो दिस इज द यूनिक कंसेप्ट टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन, मल्टीप्लाई द एक्स्ट्रा डेज एंड टेक द स्क्वायर रूट डायरेक्ट, यू कैन फाइंड आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये आपसे बोला जा रहा है कि जो ए है वो बी से 25% अधिक एफिशिएंट है। एक कंसेप्ट को समझेंगे हम पहले, जो वर्क होता है वो होता है टाइम मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी। मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर वर्क कांस्टेंट होता है, सेम होता है। अगर वर्क कांस्टेंट है, सेम है, इसका मतलब हम कह सकते हैं टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। और इन सिंपल वर्ड्स में कह सकता हूँ, जो टाइम का अनुपात होगा एफिशिएंसी का अनुपात या रेशियो उसका विपरीत होगा। अगर वर्क सेम है, फॉर एग्जाम्पल टाइम का रेशियो 3:4, तो एफिशिएंसी का जो रेशियो हो जाएगा वो इसका विपरीत हो जाएगा, 4:3। विपरीत का मतलब ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। इफ वर्क इज सेम, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, एंड इन मैक्सिमम क्वेश्चन वर्क इज सेम। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए बी से 25% अधिक एफिशिएंट है, तो यहाँ पे हम बी लिखते हैं बच्चे और यहाँ पे ए। ए बी से 25% ज़्यादा एफिशिएंट है, तो अगर हम बी की एफिशिएंसी 100 मानते हैं तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 125, क्योंकि इससे 25% ज़्यादा एफिशिएंट है। तो ये कट के कितना आ जाएगा, 125 से कट जाएगा, 5:4। बट ये किसका रेशो, एफिशिएंसी का, किसका एफिशिएंसी का, दक्षता का, कुशलता का। बट अभी हमने जाना कि अगर वर्क सेम है, इस क्वेश्चन में वर्क तो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, वही वर्क ए को करना है, वही बी को करना है, तो टाइम का रेशो है एफिशिएंसी के रेशो का उल्टा हो जाएगा, 5 यहाँ चला जाएगा और 4 यहाँ रिवर्स हो जाएगा। तो ये टाइम का अनुपात, इसका मतलब क्या है, अगर ए 4 डेज लेता है तो बी कितने डेज लेगा, 5। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए अकेला उस काम को 8 डेज में कर देता है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो आपसे पूछा जा रहा है बी अकेला कितने दिन में कर देगा, तो बी की वैल्यू 5 यूनिट है, जब 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ चुकी है तो 5 यूनिट कितनी होगी, 10, तो बी अकेला उसी काम को 10 डेज के अंदर कंप्लीट कर देगा, दैट्स आवर आंसर। आपको बस इस टाइप के क्वेश्चन को डील करते वक्त कंसेप्ट का ध्यान रखना है कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, और इन सिंपल वर्ड्स द रेशियो ऑफ द टाइम विल बी इनवर्स ऑफ रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। तो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, वो कह रहा है आपसे ए जो अकेला किसी काम को करता है 9 डेज में, और बी अकेला उसी काम को करता है 12 डेज में। तो
एक बार आपको जो ट्रायंगल मेथड हम सीख चुके हैं वो तो आपको बनानी ही पड़ेगी। 9 और 12 कैल्शियम कितना 36 मान लेते हैं कुल वर्क, जो भी टाइम होता है उसके कुल वो एल्शियम को क्या मानते हैं टोटल वर्क। अब ये 36 काम 9 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता हुआ 36/9 4। ये 36 काम 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता हुआ 3। और जो एक दिन का काम है उसको क्या बोलते हैं एफिशिएंसी। आपको टाइम एंड वर्क में एक बार ये डायग्राम ये ट्रायंगल तो आपको बनानी ही पड़ेगी, इसको एल्शियम मेथड ही बोलते हैं। ठीक है, हमने एक दिन का काम निकाल लिया। अब लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो बारी बारी से काम कर रहे हैं। बारी बारी से मतलब ए स्टार्ट कर रहा है, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन फिर ए आ रहा है, फोर्थ डे फिर बी आ रहा है। इस प्रकार से चलता जा रहा है जब तक वो काम कंप्लीट ना हो जाए। तो देखिए, ए एक दिन में कितना काम करेगा 4 और बी एक दिन में कितना काम करेगा 3। जो ये 7 काम है ये कितने दिन का हो जाएगा बच्चे, 2 दिन का हो जाएगा। बिकॉज ये अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, 1/1, एक डे पे एक, दूसरे दिन पे बी। तो स्टार्टिंग ए कर रहा है तो ये पहले दिन ए 4 काम करेगा, दूसरे दिन बी 3 काम करेगा। 7 काम कितने दिन का होगा, 2 दिन का। बट हमें टोटल वर्क करवाना कितना है 36। तो देखिए फिर क्या करते हैं, हमें वर्क करवाना 36। अब 36 से नीचे 7 का मल्टीपल देखेंगे, 36 से नीचे 7 का मल्टीपल कौन सा, 35। तो इसको 35 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो इसको भी 5 से करेंगे। यहां से ये बात क्लियर होगी, जो 35 यूनिट वर्क है वो 10 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। बट टोटल वर्क कितना है 36, कितना वर्क बच गया 1। अब थोड़ा ध्यान देने की आपको जरूरत है। अब 11th डे आ जाएगा, 11th डे किसकी बारी आएगी, देखिए क्योंकि यहां पे ए काम को शुरू कर रहा है तो ए की बारी आएगी, ए की टर्न आएगी, क्योंकि पहले दिन 3rd डे, 5th डे, 7th डे, तो उसी की बारी आएगी। तो ये जो 11th डे पे एक काम बच गया इसको कौन करेगा, ए। और ए एक काम को कितने दिन में कर देगा, जब एक दिन में 4 करता है तो एक काम को 1/4 में। 10 दिन पहले लग चुके थे, 1/4 दिन अब लग चुके हैं, 1/4, तो टोटल क्या हो जाएगा 10 1/4। अभी इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता था, वो आपसे बोल देता हाँ ए किसी काम को 9 दिन में करता और बी 12 दिन में, और वो बारी बारी से काम को कर रहे हैं। बट क्या है, अब की बार जो काम को शुरू कर रहा है वो बी कर रहा है। यहां तक तो बात वही रहती, 35 जो यूनिट वर्क है, 35 यूनिट वर्क है, वो 10 डेज में कंप्लीट हो जाता। अब 11th डे पे बारी किसकी आ जाती, क्योंकि बी काम को शुरू कर रहा है तो बी की टर्न आती। अब जो एक काम बच जाता है उसको कौन करता, बी। बी एक दिन में कितना काम करता, 3 यूनिट, तो ये 1/3 डेज में उसको कंप्लीट कर लेता, 10 डेज पहले लग चुके। अगर बी शुरू करता तो आपका आंसर क्या आता, 10 1/3, और ए शुरू करता तो 10 1/4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुट ए स्टार मार्क ऑन इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। वो कह रहा है आपसे, ए किसी काम को अकेला करता 10 डेज में अलोन, बी उसी काम को अकेला करे तो 15 दिन। देखिए इतना करते ही आपको वो डायग्राम बनाना, 10 और 15 कैल्शियम कितना 30, टोटल वर्क मान लेते हैं 30 यूनिट। ये 30 वर्क 10 डेज में करता है, एक दिन में कितना करता हुआ 30/10 3 यूनिट। ये 30 वर्क 15 डेज में करता है, एक दिन में कितना करता हुआ 30/15 2 यूनिट। आपको टाइम एंड वर्क में टाइम देखते ही एलसीएम मान के आपको ये ट्रायंगल तो बना ही लेनी है। ठीक है, अब देखते क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है। वो आपसे कह रहा है अगर काम खत्म होने से 2 दिन पहले, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे मान लीजिए काम खत्म होता उससे 2 दिन पहले, यहाँ पे ए ने काम छोड़ दिया, ए ने वर्क को लेफ्ट कर दिया। मैं डायरेक्ट आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये मान लेना है, जब आपसे बोला जा रहा है कि लास्ट में उसने वर्क को छोड़ दिया है, 2 दिन पहले उसने वर्क को छोड़ दिया, आपको मान लेना है कि ए ने वर्क को छोड़ा ही नहीं। अगर ए ने वर्क को 2 दिन छोड़ा नहीं होता लास्ट में, तो एक दिन में ए कितना काम करता है 3 यूनिट, 2 दिन में कितना कर लेता 6। टोटल वर्क कितना था करवाना 30। अब क्वेश्चन में तो ये था ना, 2 दिन पहले छोड़ दिया था, बट फॉर आवर कन्वीनियंस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हमने अज्यूम किया कि उसने 2 दिन नहीं छोड़ा। तो 3 यूनिट एक दिन में काम करता है, 2 दिन
काम और करेगा तो कितना काम और हो जाएगा, 6 मिनट टोटल वर्क कितना लेंगे, 36। अब देखिए, अब अभी हमने जूम कर दिया है कि ए ने वर्क छोड़ा ही नहीं, तो 36 वर्क मिलके किया हुआ दोनों ने, एक दिन का काम कितना, 3 और 2 5, तो 36 वर्क कितना हो जाएगा, 36/5। आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट 7/1/5 days इज योर आंसर। क्लियर? इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। देखिए, यहां पे ए ने छोड़ा है, इसका मतलब यहां से यहां तक तो ए और बी दोनों थे, लगातार काम कर रहे थे। यहां पे ए ने छोड़ दिया तो ये लास्ट के 2 दिन किसने काम किया होगा, बी ने। अब बी एक दिन में कितना काम करता है, 2, तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा, 4। तो यहां कितने यूनिट काम होगा आपका, 4। तो टोटल वर्क 30 है, ये इसका सेकंड मेथड है। यहां पे बी ने 4 काम कर लिया तो यहां कितना काम बचा होगा, 26। अब जो 26 वर्क है, ये जाहिर सी बात है दोनों ने मिलकर किया होगा, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 यूनिट, तो 26 यूनिट कितने दिन में कर देंगे, 26/5, 5/1/5। अब आपसे पूछा जा रहा, पूरा काम होने में कितना समय लगेगा, तो 5 से 1/5 दिन यहां लगे और 2 दिन यहां, तो +2, आंसर विल बी सेम 7/1/5। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में हमने टाइम एंड वर्क के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद ट्रिक्स डिस्कस की, तो इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।